हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्नो वॉल्ट। और आज हम लेकर के आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वोटर आईडी कार्ड पर ऑनलाइन एड्रेस चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म 8A फिलअप कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर NVSP पोर्टल ओपन कर रखा है। सो हमें सिर्फ एड्रेस चेंज करना है अपने वोटर आईडी कार्ड पर, तो हमें फॉर्म 8A फिलअप करना होगा। सो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पे, देखिए लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड हमें टाइप करना होगा, उसके बाद हमें कैप्चा टाइप करना है, देन हम लॉगिन कर सकते हैं। सो हमने ऑलरेडी पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड हमने सेव कर रखा है। सो सिर्फ हमें कैप्चा कोड टाइप करना होगा। सो हम यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करते हैं। सो हमने कैप्चा कोड टाइप कर लिया है, देन हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं NVSP पोर्टल पर। सो हमें अपना वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्म 8 फिलअप करना है। फॉर्म 8 यानी कि माइग्रेशन टू अनदर प्लेस। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेल्फ और फैमिली, या तो अगर आपका है तो आप अपना सेल्फ कीजिए, फैमिली का है तो फैमिली पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी भी फैमिली के मेंबर का है एपिक नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमें खुद का एड्रेस चेंज करना है वोटर आईडी कार्ड का। सो हम सेल्फ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, माइग्रेशन विद इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम सबसे पहले जानते हैं माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है AC, तो पड़ती है आपकी, अगर आप उस एरिया से ही पूरे बाहर जा रहे हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो रही है, तो आपको आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर क्लिक करना होगा। और अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही आप चेंज कर रहे हैं एड्रेस, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना होगा। सो हमें अपने नियर बाय ही, हमने यानी कि दो चार गली छोड़ के हमने पीछे मकान लिया है, सो हम उसमें शिफ्ट हो गए हैं, तो हमें वो एड्रेस चेंज कराना है, तो हमें विद इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करना होगा। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म 8A। सो हमारा फॉर्म 8A होता है एड्रेस चेंज करने के लिए। सो हम यहाँ पे देखें स्टेट हमारी NCT ऑफ दिल्ली सेलेक्ट है ऑलरेडी। यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, हमारी डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो हमें सेलेक्ट करनी है। सो हमारी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो हमने साउथ ईस्ट सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आता है एस कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी है हमारी असेंबली। सो हम यहाँ पर देखिए हमारा बदरपुर आ रहा है, सो हमने बदरपुर पर क्लिक कर लिया है। बदरपुर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट, हमारी जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर शो कर रही हैं, और सारी हमें कोई भी भर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी फिलअप हो रखी है। इसके आगे देखिए ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप ईमेल आईडी टाइप करना चाहते हैं तो वो टाइप कर सकते हैं। सो हमने ईमेल आईडी टाइप कर लिया है और मोबाइल नंबर हमारा कोई दूसरा नहीं है। सो इसके आगे देखिए करंट एड्रेस ऑफ माय ऑर्डिनरी रेजिडेंस वेयर आई हैव शिफ्टेड, हमने जहां पर शिफ्ट किया है हमें वो एड्रेस यहां पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखे एड्रेस टाइप कर दिया है, हमारा पूरा एड्रेस मकान नंबर और गली नंबर ही चेंज है, बाकी सब हमारा सेम है। सो हमने यहाँ पर टाइप कर चुके हैं। सो आपकी भी जो भी डिटेल्स होगी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सो हमें यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर देखिए JPEG, PNG, BMP, JPEG, यानी कि आपका पिक्चर फॉर्मेट ही अपलोड कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पर देखिए योर फोटोग्राफ का शो कर रहा है हमारे को ऑप्शन, सो हमें फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। सो हम अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं।
सो यहाँ पर देखिए एक पोर्टल आ चुका है हमारे सामने नया। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस पर आपकी जो फ़ोटो है आपको टच होनी ज़रूरी है। अगर आप टच नहीं होती है तो ये अपलोड नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए गेट प्रीव्यू, ये देखिए पिंस, प्लीज़ इंश्योर ऑल साइड ऑफ एन इमेज मस्ट नॉट बी लेस देन रिस्पेक्टिव क्लिपिंग रेक्टेंगल एरिया। सो हमारे को इससे पूरी टच करनी होगी लाइंस। सो ये हमारी टच हो चुकी है, गेट प्रीव्यू। सो यहाँ देखिए हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है। तो हम सेव कर देते हैं इसे। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में हम क्या अपलोड करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पर देखिए हमारे को ऑप्शन शो कर रहा है, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और टेलीफोन पिन। आप कोई भी इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप उन्हें देख के अपलोड कर सकते हैं। सो हमारे पास टेलीफोन बिल है, सो हम टेलीफोन बिल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ वाले अपलोड ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। सो हम चूज़ करते हैं फाइल और इसके बाद हमने बिल अपलोड कर दिया है। नीचे देखिए, नीचे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। सो यहाँ पर प्लेस हमारा डाल दिया है। सो अब नेक्स्ट है हमारा कैप्चा कोड। हमें कैप्चा कोड टाइप करना होगा। सो गाइस हमने कैप्चा कोड टाइप कर लिया। कैप्चा कोड पर टाइप करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे को एक ट्रांजेक्शन नंबर, हमें को रेफरेंस नंबर हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और हमारे स्क्रीन पे भी शो कर जाएगा जैसे ही हमें सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी फाइल पहुँच जाएगी कंसर्न डिपार्टमेंट में और हमारे आने वाले कुछ समय पर हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। सो ऐसे आप अपने वोटर आईडी को एड्रेस चेंज कर सकते हैं। हम इसको सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमें एड्रेस चेंज नहीं करना है। ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो है, इसीलिए हमने सिर्फ स्टेप्स बताए हैं कैसे हम इसको एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।